आईओ भी पहुंच गए सिटी कोर्ट में। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दुआ ज़हरा केस में अब तक की सबसे बड़ी पेशरफ्त आप कह लीजिए इसको, या फिर धमाका खेज खबर कह लीजिए। ज़हीर की जानिब से मुसलसल एक झूठ बोला जा रहा था कि वो जब दुआ ज़हरा को अगवा किया गया तो वो कराची में नहीं बल्कि लाहौर में मौजूद था और वो ख़ुद वहाँ पर चल कर आई और मैंने 22,000 रुपया रेंट भी पे किया। यह कहानी बयान की गई, लेकिन अब जो एविडेंस सामने आ गया है उसने सारे का सारा भांडा फोड़ के रख दिया है और ज़हीर समेत 33 रुकनी जो मुलजमान हैं इन सब के नाम भी सामने आ गए हैं कि इस पूरे मामले में कौन कौन अब तक मुलविस पाया गया है। पुलिस रिपोर्ट सामने आ गई है। सबसे पहले पुलिस ने आज जो अपनी तफ्तीश की पेशरफ रिपोर्ट अदालत में पेश की है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उसमें मुलजिम असगर अली समेत 33 मुलजमान को नामजद कर दिया गया है। केस में मुलजिम जहीर की वालदा नूर बीबी समेत 8 खवातीन भी मुलविस पाई गई हैं और उनको भी बतौर अक्यूज़ शामिल किया गया है इस फहरिस्त में, जबकि पुलिस ने जहीर समेत दीगर मुलजमान को अदम गिरफ्तार करार दे दिया है कि अभी तक उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि दुआ ज़हरा की उम्र कम है और मुलजिम जहीर का CDR रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया है। ये मालूमात कैसे हासिल हुई, ये CDR डाटा हासिल किया गया जिसमें ये मालूम हुआ कि मुलजमान के खिलाफ CDR डाटा सामने आने के बाद ये मालूम हुआ है कि जब दुआ ज़हरा को मुबैना तौर पर अगवा किया गया उस वक्त जहीर कराची में ही मौजूद था। यानी कि ये कहा गया कि जहीर दुआ ज़हरा ने एक टैक्सी ली और लेने के बाद वो खुद ही वहाँ पर पहुँच गई, ये झूठ साबित हुआ। उस वक्त जहीर कराची में मौजूद था और ये भी पुलिस कहती है कि मुलजमान के खिलाफ CDR सामने आने के बाद ठोस शवाहिद भी मौजूद हैं। मुलजमान के खिलाफ चलान अदालत में पेश किया जाएगा और ये भी कहा है कि पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ जेर दफ़ा 363 और कम उम्री शादी की दफ़ात शामिल करने की इजाज़त भी मांग ली है कि ये एक इटसेल्फ एक सज़ा होगी। दुआ ज़हरा की पंजाब से बाजियाबी के लिए महकमा सिंध से इजाज़त तलब की जा रही है, ये रिपोर्ट में कहा गया है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस केस में कितनी गिरफ्तारियां होती हैं। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह नेगेबान।